रूस की ब्लैक सी फ्लीट का जबरदस्त एक्शन देखा गया है। रूस ने एंटी ड्रोन हथियारों से कई बड़े हमले किए हैं। रूस ने एक साथ यूक्रेन की कई ठिकानों को दहला दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है जो आपके सामने है। रूस ने एंटी ड्रोन हथियारों से कई बड़े हमले किए हैं और बाकायदा रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया। तो वार और उसके बाद पलटवार, इसका सिलसिला लगातार जारी है। एक साल इस युद्ध को पूरे हो चुके हैं लेकिन तस्वीरें नहीं बदली। तस्वीरें उसी तरीके से लगातार युद्ध क्षेत्र से सामने आ रही हैं, जहां पर रशिया के हमलों का जवाब यूक्रेन दे रहा है, तो वापस पलटवार फिर से रशिया की ओर से देखा जा रहा है। और एक और वॉर ब्रेकिंग आपके सामने हम रख रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी आर्मी का बड़ा हमला देखा गया है। यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य वाहन उड़ा दिए हैं। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक भी तबाह हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, पूर्वी यूक्रेन की ये तस्वीरें, जहां यूक्रेन आर्मी का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य वाहनों को उड़ा डाला है। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। एक और वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन आर्मी की जबरदस्त ट्रेनिंग का वीडियो भी सामने आ चुका है। एंटी टैंक रिकॉइल लेस गन से ट्रेनिंग जारी है। ट्रेनिंग के दौरान डमी टैंक्स को टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है और उसी का ये वीडियो आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां यूक्रेन की आर्मी को जबरदस्त ट्रेनिंग दी जा रही है और उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो है जिसमें एंटी टैंक रिकॉइल लेस गन से ट्रेनिंग जारी है और यहाँ पर डमी टैंक्स को टारगेट किया जा रहा है।